अच्छे वाला मसाला बन के तैयार हो रहा है। राम राम जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और छोटे से व्लॉग में। और आज मैंने अपना व्लॉग रूम से नहीं, मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट किया है। सुबह का वातावरण में जो नेचुरलिटी है ना भाई, यहाँ पे वो कुछ अलग ही देखने को मिलती है। और मॉर्निंग टाइम के समय दोस्तों एक बात तो है कि सुबह सुबह मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर पूरा दिन अच्छा जाता है। और घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं दोस्तों ISBT के पास। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। चलिए फिर से हम मिर्च और प्याज उठा लेते हैं और बनाते हैं मैगी, और थोड़ा टमाटर भी डाल देते हैं मैगी में। और अभी के लिए दोस्तों हमारा मसाला हो रहा है तैयार। हमने कहा था मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? अब बारी है हल्की सी मिर्च डालने की, अपनी इच्छा अनुसार डालूंगा। ये देखिए अच्छे वाला मसाला बन के तैयार हो रहा है। मैगी भी कुछ खास ही बनेगी आज। चलो जी, लगभग लगभग मसाला तैयार हो गया है और अब डालते हैं मैगी। एक पैकेट बहुत है, अकेला इंसान कितना खाएगा। देखो जी, अभी तक आपने मसाला मसाला देखा होगा, कि अब देखो ये कैसा आ रहा है बनके। अब पानी डाल देता हूँ थोड़ा। दोस्तों हमारी मैगी बनके हो चुकी है तैयार और मैं खाने के लिए रेडी हूँ। ये हमारी मैगी रखी है, और चूंकि मैं अकेला शख्स हूँ तो मैं ज़्यादा बर्तन जूठे नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसे मैं खा लेता हूँ। अकेला हूँ, बंद रूम में हूँ, क्या दिक्कत है? क्यों, अरे कहना क्या चाहते हो? और दोस्तों फिर से नहा धो के निकल चुका हूँ एक नए सफर पे, एक नए मोड़ के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ देहरादून में आया हूँ, यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वो आज असली चीज़ आपको व्लॉग में अब देखने को मिली। तो जिधर दोस्तों मेरे को क्लास लेने जाना है, उधर का व्यू कुछ ऐसा आता है। और दोस्तों क्योंकि आज मेरा पहला दिन है उनके घर पे, मतलब ऐसे तो जाता रहता हूँ, लेकिन आज जो क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ वो पहला दिन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मुँह मीठा कराने के लिए ले लूँ। आ गया हूँ दोस्तों अभी के लिए घर पे। और ये है दोस्तों आपके लिए सरप्राइज जी। साथियों आज की क्लास हो चुकी है पूरी, और अब मैं निकल रहा हूँ अपने रूम के लिए। डायरेक्टर साहब, रिलैक्स यार, रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्टकट का हुआ ट्रेड बने लोग आंधी बातें बातें कर रहे हैं। और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, जब मैं आ रहा था तो मैं ये सोचा था कि पता नहीं उतना कम्फर्ट नहीं हो पाएगा, या मतलब मैं कैसे क्या कवर करूँगा आज का, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मोहित सर का नेचर तो पहले से ही बहुत अच्छा है, और थैंक यू सो मच, उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सो गाइज, अभी आ चुका हूँ मैं अपने रूम के पास, और क्लास तो मैंने की है जो आपको दिखाया, और थोड़ा सा सामान भी लेके आना पड़ा, क्योंकि रूम पे रहते रहते सब कुछ मालूम पड़ रहा है कि क्या छूट गया क्या नहीं, कितने सारे मसाले होते हैं, कितने सारी चीज़ें यूज़ के लिए होती है, तो सारी लेके आ रहा हूँ और पहुँच रहा हूँ अपने रूम पे फटाफट। और गाइस, रूम पे आके मैंने सामान साइड में लगाया, उसके बाद मैंने एक जोड़ी कपड़े वॉश किए जो कि मैले हो रखे थे, और अब मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। बार बार प्रोसेस पूरी क्या दिखानी, आप समझदार हो ही। और दोस्तों देखिए मैंने अभी के लिए क्या बनाया है, आज डिनर होने वाला है साबुत मसूर की दाल से। बस अब थोड़े से चावल बनाने हैं, क्योंकि दिन में मैंने चपाती खाई थी। और इसी के साथ साथ अपने व्लॉग का करते हैं एंड। थोड़ा सा भी व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करना, और मुझे अपने दिल में जगह देना। ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि।